मेरा सभी को सादर प्रणाम। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमारे एमसी को दिखाया जाता है, जहां पर हॉन्गमिंग उसकी कॉलर पकड़कर उसे उठा लेता है गर्दन से, जिसे देखकर हमारा एमसी कहने लगता है, ओ तो तुम हॉन्गमिंग हो। मुझे लगा कि आखिरकार कौन मेरी नींद खराब करने के लिए आ गया है, लेकिन तुम यहाँ पर मेरी नींद खराब करने के लिए आए हो। ये बात जानने के बाद हॉन्गमिंग काफी सरप्राइज होने लगता है और उससे कहने लगता है, क्या तुम मुझे जानते हो? तभी हमारा एमसी उससे कहने लगता है कि तुम यहाँ पर होंगे यावतान का बदला लेने के लिए आए हुए हो, जहाँ पर मैंने उसे बुरी तरीके से पीट दिया था, ताकि जो फैमिली में मार्शल आर्ट्स से डेमोन्स्ट्रेशन होने वाला है कुछ दिनों में, उसके लिए तुम यहाँ पर आए हुए हो ना। मैंने सही कहा ना? ये बात जानने के बाद हॉन्गवे भी काफी ज्यादा एक्साइटमेंट से भर जाता है और उससे कहने लगता है कि जैसी तुम्हारी इच्छा, मैं पब्लिकली तुम्हें क्रिपल करूंगा, तुम्हारे सारे के सारे कल्टीवेशन को तबाह कर दूंगा, क्योंकि ये आइडिया हमारे एमसी ने ही उसे दिया होता है कि कैसा रहेगा कि जो कॉम्पिटिशन होने वाला है हम उसमें जाकर डायरेक्टली फाइट करें, हम यहाँ पर फाइट करके क्या ही उखाड़ लेंगे। और हमारा एमसी हॉन्गमिंग की बात से भी एग्री हो जाता है, दोनों के दोनों के पार्टिसिपेशन के लिए तैयार हो जाते हैं। और तभी हॉन्गमिंग वो अपने एमसी को उसकी गर्दन से छोड़ देता है, जिससे कि हमारा एमसी नीचे गिरता है तो अपने पैरों को इस एंगल में रखता है 90 डिग्री पर, जिससे कि डायरेक्टली वो डायरेक्ट हॉन्गमिंग के पैरों की जगह पर गिरता है, जिससे कि हॉन्गमिंग को चोट लग जाती है और बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है उसके पैरों में। और वहां से उठने के बाद हमारा एमसी उससे माफी मांगता है, लेकिन उस बंदे के हॉन्गमिंग के बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था पैर में इसके कारण, और हॉन्गमिंग चिल्लाते हुए कहने लगता है कि तुम बास्टर्ड कहीं के तुम वहीं पर रुको, मैं तुम्हें अभी के अभी मारने वाला हूँ। लेकिन इतने गुस्से में देखकर हमारा एमसी चिल्लाता उससे कहने लगता है, क्या अभी अभी हम लोग नहीं एग्रीड हुए कि हम अपने इस परेशानी को मार्शल डेमोन्स्ट्रेशन जो फैमिली का होने वाला है उधर सॉल्व करेंगे, क्या तुमने मेरी बात सुनी नहीं क्या? और जब इतने ज्यादा घूर कर देखता है हमारा एमसी, तो हॉन्गमिंग एक पल के लिए बहुत ज्यादा डर जाता है कई तरीके से, और वो हिल भी नहीं पाता। और बाकी के दो लोग जब हॉन्गमिंग को उसे लड़ाने की कोशिश कर रहे थे, तो वो ये सारी की सारी सिचुएशन देखकर शॉक हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि अभी अभी ये जो बड़ा सा दिखने वाला बंदा है वो इतना ज्यादा बेवकूफ़ होगा, इतना डरपोक होगा, ये सोचा भी नहीं था, जो हमने सोचा था ये तो बिल्कुल भी वैसा नहीं निकला। दूसरा बंदा कहने लगता है कि तुम्हें शांत हो जाना चाहिए, वरना वो तुम्हारी बातों को सुन लेगा। तभी हॉन्गमिंग पीछे मुड़ता है, उनसे कहने लगता है कि तुम इस बारे में बिल्कुल भी सोचना मत कि मैंने तुम्हारी बातों को नहीं सुना, अभी अभी तुमने जो मुझसे कहा है ना उसके कारण वैसे भी मेरा मूड खराब था, अब तुम्हारी तो बैठ बजने वाली है। और वह दोनों के दोनों डर के मारे उससे माफी मांगने लगते हैं, लेकिन हॉन्गमिंग बिल्कुल भी रुकता नहीं है और उन्हें मारना चालू कर देता है, बुरी तरीके से पीटना चालू कर देता है। और उन्हें पीटने के बाद उसके मन को शांति मिलती है। अगला सीन दिखाया जाता है हॉन्ग फैमिली के ट्रेनियल मार्शल आर्ट डेमोन्स्ट्रेशन का, जो कंपटीशन है वो फाइनली स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर हॉन्ग फैमिली के यंगर जनरेशन के जितने भी लोग हैं वो आपस में फाइट करते हैं और अपनी पावर को टेस्ट करते हैं, और जो भी इस कंपटीशन को जीतेगा उसे फैमिली के काफी ज्यादा रिसोर्सेस मिलेंगे, ताकि वो अपनी कल्टीवेशन में और भी ज्यादा पावरफुल बन सके। और जो फेल हो जाते हैं उनका जो पहले का स्टेटस था उन्हें उस स्टेटस से हटा दिया जाता है, फैमिली के द्वारा अबंडन कर दिया जाता है। और इतना ही नहीं, जो भी हमारे यंग फैमिली के यंग एंड टैलेंटेड लोग थे जो कि बाहर सीखने के लिए गए थे, वो फाइनली इस पार्टिसिपेशन और इस मार्शल आर्ट्स डेमोन्स्ट्रेशन के द्वारा लौटते आ जाते हैं, ताकि वो पार्टिसिपेट करके बता सकें कि आखिरकार उन्होंने कितना सीखा है और कितने पावरफुल बन चुके हैं। तभी वहां पर एक लड़की को खड़े हुए दिखाया जाता है, जो कि घर की बिल्डिंग के टॉप पर खड़ी होकर मैच देखने में लगी हुई है। और इस बंदे के बारे में बताया जाता है कि ये अभी न्यू जनरेशन की, फर्स्ट न्यू जनरेशन की सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बंदी है, जिसका नाम शांगवान मोटाई है। जहाँ पर ये मोटाई जब बाकी के लोगों की फाइट देखती है तो वो देखकर कहने लगती है कि आजकल के जो यंगर जनरेशन के जितने भी लोग हैं वह सभी के सभी लोग समय के साथ साथ बिल्कुल भी यूजलेस होते जा रहे हैं, किसी काम के नहीं है, सबके सब कमजोर होते जा रहे हैं, कि भविष्य में क्या होगा इनका। तभी उसकी नज़र किसी चीज़ पर जाती है जिसको देखकर वह शॉक हो जाता है, और वह किसी और पर नहीं बल्कि मैं हमारे एमसी पर उसकी नज़र जाती है, जिसको देखकर वो कहने लगती है कि ये बंदा यहाँ पर क्या कर रहा है, ये तो ज़रूरी हॉन्ग जाएंगे, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। और वो कतई एक्साइटमेंट से भर जाती है और डायरेक्टली जाकर हॉन्गमिंग से हॉन्गजेंग से मिलने के लिए कूद पड़ती है और उससे कहने लगती है कि हॉन्गजेंग तुम फाइनली वापस आ गए। लेकिन अचानक से वो होश में आती है और कहने लगती है कि ये इम्पॉसिबल है, 10 साल गुजर चुके हैं उसे यहाँ से गए हुए, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर बैठे बैठे इस पर देख नहीं सकती, मुझे इसे कंफर्म करना होगा कि आखिरकार ये हॉन्गजेंग है या फिर कोई और। तभी मोटाई हमारे एमसी के पीछे जाती है और पीछे से चिल्लाती है उससे कहने लगती है कि हॉन्गजेंग तुम वापस आ गए। तभी हमारा एमसी पीछे मुड़कर देखता है उससे कहने लगता है कि तुम कौन हो, कौन चिल्ला रहा है मुझ पर। और जब पीछे मुड़कर देखता है तो अपने सामने उसी मोटाई को देखकर बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। तभी मोटाई उसके पास आते उससे कहने लगते कि ये मैं हूँ हॉन्ग शेंगवान मोटाई, क्या तुम मुझे भूल गए? लास्ट टाइम मैं तुमसे जब मिली थी 10 साल हो गए हैं उसे गुजरे हुए, आखिरकार तुम इन 10 सालों में कहाँ थे? तभी हमारा एमसी मन में सोचते हुए कहने लगता है, ओ यदि मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड है मोटाई, अब जबकि ये इतनी ज्यादा ग्रो हो चुकी है, बड़ी हो चुकी है, इसलिए मैंने एक पल के लिए तो उसे बिल्कुल भी पहचाना नहीं था। लेकिन वो अपनी आइडेंटिटी को दूसरों को नहीं बता सकता, तो डायरेक्टली मोटाई से कहने लगता है कि मुझे माफ कर देना, तुमने किसी दूसरे बंदे को, गलत बंदे को ढूंढ लिया है। ये बात जानने के बाद मोटाई सफरा हो जाती है, उससे कहने लगती है कि मैं गलत नहीं हो सकती, मैं तुम्हारे चेहरे को बहुत ज्यादा अच्छे से पहचानती हूँ, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं भूल सकती। तभी हॉन्गमिंग आता है और उससे कहने लगता है, ऑफ कोर्स ये बात है कि ये हॉन्गजेंग नहीं है, क्योंकि ये वो थर्ड अंकल के इलेजेंडेड बेटा है, सीधे इसका नाम हॉन्गर है, हॉन्गजेंग का लिटिल ब्रदर। शायद तुम्हें इसके बारे में पता नहीं होगा कि ये वाकई में हॉन्गजेंग का ब्रदर है, वो भी ब्लड रिलेटेड।
इसमें कोई भी शक वाली बात नहीं है। ये बात जानने के बाद में मोताई काफी ज्यादा शौक हो जाती है और उसे शरारते भर जाती है। उसे पूछने लगती है कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, और वो घबराती हुई हमारे एमसी से पूछने लगती है क्या तुम वाकई में होंगजिंग नहीं हो। और काफी ज्यादा निराशा होती है जब उसको जब ये बात पता चलती है कि ये होंगजिंग नहीं है, और कहने लगती है कि मैं तो वाकई में बहुत ज्यादा स्टूपिड हूँ, इसे 10 साल गुजर चुके हैं, तो आखिरकार जो होंगजिंग है वो सेम बिल्कुल सेम पर्सन कैसे रह सकता है बिल्कुल 10 साल पहले सा, उसकी उम्र तो बढ़ी गई होगी कम से कम। तभी हांगमिंग आता है मोताई के पीछे और उससे कहने लगता है कि हे मोताई, आखिरकार तुम ये सब क्यों करने में लगी हुई हो, क्या तुम्हें पता नहीं है कि होंगजिंग 10 साल पहले ऑलरेडी मारा जा चुका है, क्या तुम्हें अभी भी उसके बारे में सोचने की इतनी ज्यादा जरूरत है क्या, और वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि आखिरकार तुमने पास्ट में उससे कितना ज्यादा प्यार करती थी, तुम्हें इस फैक्ट को एक्सेप्ट करना होगा कि वह 10 साल पहले ऑलरेडी मारा जा चुका है। और तो और इतना ही नहीं, तुम भले ही उसे पसंद करती थी लेकिन वो बंदा किसी और लड़की को पसंद करता था जिसका नाम सिटी लुओजिन था और जिसने उसको मारा है अपने खुद हाथों से। आखिरकार तुम इस बातों को ध्यान में रखते हुए तुम मुझे एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेती हो, मेरी लवर क्यों नहीं बन जाती हो। यह बात सुनने के बाद मोताई को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाती है, ये लव ट्रायंगल था मेरे ख्याल से। और जब हांगमिंग इसको इतने ज्यादा गुस्से में देखता है तो वो काफी देर सफरते भर जाता है और मोताई वहां से उसको इग्नोर करती है और वापस से उसी पोजीशन पर चली जाती है जहां पर खड़े होकर वो मैच देख रही थी। और दोनों के दोनों उसको इस तरीके से एक्सप्रेशन देखते हैं ना, तो दोनों के दोनों सफरत हो जाते हैं और हमारा एमसी हांगमिंग को मजाक उड़ाने लगता है और उससे लगता है ओ ओ ओ तुम तो फेल हो गए, यहाँ पर तुम उसे अपनी पटाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन तुम्हें रिजेक्ट कर दिया जा चुका है। ये बात सुनने के बाद हांगमिंग को और भी तो गुस्सा लगता है, उससे क्या लगता है कि तुम्हें इतने ज्यादा कोकी होने की जरूरत नहीं है, जब तक मैं इस पूरे की पूरे हांग फैमिली में यंगर जनरेशन का सबसे ज्यादा पावरफुल बंदा रहूंगा तो एक ना एक दिन शेंगवाई मोताई जरूर मेरी वुमन बन जाएगी, मेरी गर्लफ्रेंड बन जाएगी, मेरी लुगाई बन जाएगी, जो चाहे वो कह लो। और बात करें तुम्हारे बारे में तो एक बार में तुम रिंग में आ जाओ, रिंग में तब मैं तुझे बताता हूँ तेरी औकात। और हमारा एमसी भी कहने लगता है कि तुम जब चाहे मुझसे फाइट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और सभी लोग आपस में बात करते हुए कह रहे होते हैं कि फाइनली हांगमिंग और होंगर आपस में फाइट करने वाले हैं, ये मैच तो हमें देखना ही चाहिए, चलो देखते हैं कि आखिरकार किस तरीके से हांगमिंग होंगर को बुरी तरीके से पीटता है कि वो मारा ना जाए इतने बुरी तरीके से। आखिरकार किसने कहा था कि हांगमिंग को वह गुस्सा दिलाए। और तभी वो दोनों के दोनों उस स्टेज के सामने आकर खड़े हो जाते हैं एक दूसरे के। तभी रेफरी आता है और उससे कहने लगता है कि एक बात का ख्याल रखना कि तुम इस समय पर अपने फैमिली मेंबर्स के साथ लड़ने में लगी हुई हो तो तुम अपनी पावर को कंट्रोल करना। तभी हांगमिंग उससे कहने लगता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं इस बंदे को मारूंगा नहीं जान से, मैं तो बस इसके हाथ और पैर तोड़ दूंगा और इसे अच्छा सबक सिखाऊंगा। और वह कूद पड़ता है हमारे एमसी पर अटैक करने के लिए और कूदने के बाद कह रहा होता है कि हांगर अब तुम बच के दिखाओ मुझसे, मुझे मेरे इस अटैक से, तब देखते हैं कि तुम आखिरकार कितने पावरफुल हो। और हांग फैमिली की स्काई ब्रेकिंग पाम टेक्निक का इस्तेमाल करने लगता है हमारे एमसी को हराने के लिए, लेकिन यहाँ पर हमारा एमसी तो उससे बचने में कामयाब रहता है, बिना किसी परेशानी के जंप कर देता है वहां से और कहने लगता है कि इसकी पावर तो काफी तक गुड है लेकिन अच्छी है, लेकिन तुम्हारी जो स्पीड है ना, स्पीड वो इतनी ज्यादा कमजोर है ना, इतनी ज्यादा कम है, स्लो है कि तुम्हारा अटैक बिल्कुल भी काम नहीं करने वाला। तभी हांगमिंग फिर से अपने पावरफुल अटैक को उस पर करने लगता है और उससे क्या लगता है कि चलो देखते हैं कि तुम मेरे इस अटैक से बचने के लिए कहां तक छुपोगे। लेकिन हमारा एमसी अपने दोनों पैरों से उसके हाथों पर लैंड हो जाता है और वापस उसके दोनों पैरों पर हाथों पर खड़ा हो जाता है अपने दोनों पैरों की मदद से। ये बात जानने के बाद देखने के बाद हांगमिंग भी काफी ज्यादा सफरायत हो जाता है और कहे हांगमिंग इसको देख कर कहने लगता है कि आखिरकार तुमने डॉच करना बंद क्यों कर दिया, चलो देखते हैं अगर तुम उससे इस तरीके से फाइट करते रहे तो हमारी फाइट का अंदाजा नहीं निकलेगा, अगर हम लोग अच्छी तरीके से फाइट करना चाहते हैं तो सीधा फेस टू फेस फाइट क्यों नहीं करते। तभी हमारा एमसी उससे कहने लगता है कि तुम बाद में इस बात को पछताना नहीं इस बात को लेकर। और तभी हमारा एमसी एक एक मारता है उसके चेहरे पर जोरदार, जिससे कि हांगमिंग डायरेक्टली जमीन पर जाकर गिर जाता है। और एमसी उससे कहने लगता है क्या तुम अभी भी हार मानोगे या नहीं मानोगे, क्योंकि विक्ट्री मेरी है। लेकिन हांगमिंग वापस से खड़ा होता है और उससे कहने लगता है कि अपना मुंह बंद करो, मैं अभी तक हारा नहीं हूँ। और वो अपनी डिवाइन गोल्डन लायन टेक्निक का इस्तेमाल करने लगता है और इसके बाद बहुत बड़ा इसकी स्पिरिचुअल एनर्जी से एक बहुत बड़ा लायन वहां पर आ जाता है उसके पीछे, जो कि देखने में बहुत ज्यादा पावरफुल लग रहा होता है। जब हमारा एमसी उसे देखने लगता है तो उससे कहने लगता है कि ये तो डिवाइन गोल्डन लायन है। और जब मोटाई इस अटैक को देखने लगती है और उससे कहने लगती है कि इसने वाकई में डिवाइन गोल्डन लायन कल्टिवेट कर लिया है, मैं तो अभी अभी इतनी ज्यादा प्रीसियस और इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट टेक्निक को मास्टर किया है। तभी हमारा एमसी इसको देखकर कहने लगता है ओ तो तुमने इस फॉर्म को अभी तक सिर्फ और सिर्फ सेकंड फॉर्म तक ट्रेन कर लिया है, लेकिन फिर भी तुमने सेकंड फॉर्म तक ट्रेन किया है तो तुमने काफी हार्ड वर्क किया होगा, ये बात तो माननी पड़ेगी। ये बात सुनने के बाद हांगमिंग काफी ज्यादा एक्साइटमेंट से भर जाता है और उससे कहने लगता है कि तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो, तुमने तुरंत पहुंचा लिया इस चीज को सीखने के लिए, मुझे 3 साल लग गए थे हांग फैमिली की सीक्रेट टेक्निक को सीखने, आज मैं तुम्हारी आंखें खोल दूंगा कि आखिरकार कौन सबसे ज्यादा पावरफुल है। तभी बाकी के लोग जो स्पेक्टर होते हैं वो देखकर कहने लगते हैं कि जैसा कि आपने उम्मीद किया था हांग फैमिली के जीनियस से, उसने वाकई में डिवाइन गोल्डन लायन टेक्निक को मास्टर कर लिया है बिल्कुल एल्डर लेवल के बराबर, हांगर तो इस बार गया। तभी हांगमिंग अपनी सारी की सारी पावर को इकट्ठा करने लगता है जगह पर और उसे कहने लगता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम मेरे इस अटैक को रोकने में कामयाब रहोगे और डायरेक्टली इसे फेस करोगे, लेकिन शायद तुम्हें ये बात पता नहीं होगी क्योंकि जो भी मेरी गोल्डन लाइट
टेक्निक को जो भी टच करता है ना वो बंदा मारा जाता है। तभी हमारा एमसी भी उससे कहने लगता है, जो भी इस टेक्निक डिवाइन गोल्डन लायन को सीखता है वो वाकई में बहुत ज्यादा तारीफ के काबिल है। लेकिन ये काफी ज्यादा शर्म वाली बात है, पिटी वाली बात है कि तुमने इस टेक्निक को सिर्फ और सिर्फ सेकंड लेवल तक सीखा है, क्योंकि मैंने इस टेक्निक को ऑलरेडी 15 साल पहले ही मास्टर कर लिया था पूरी तरीके से। अब बारी हमारे एमसी की अपनी फुल पावर दिखाने के लिए, वो डिवाइन लाइन टेक्निक को दिखाता है। तो उसे देखने के बाद हॉगमिंग काफी ज्यादा सरप्राइज से भर जाता है और उससे कहने लगता है कि ये पर्पल ऑरा इसका मतलब ये हुआ कि इसने डिवाइन गोल्डन लाइन टेक्निक को 7th फॉर्म तक सीख लिया है। और उसका ग्रैंडफादर जब इसे देखता है तो वह भी काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और कहने लगता है कि जी तो डिवाइन गोल्डन लायन की 7th फॉर्म है, यहाँ तक कि मेरी डिवाइन गोल्डन लायन ऑलरेडी 8th लेवल तक पहुंची है। ये बात तो मानना पड़ेगा कि हॉन्गर का जो टैलेंट है वो वाकई में हॉन्ग जेंग के मुकाबले में बिल्कुल भी कम नहीं है। और जब मोताई इसे देखती है तो वो भी काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाती है और कहने लगती है कि आखिरकार ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। और दोनों की डिवाइन गोल्डन लायन टेक्निक जब आपस में टकराती है तो यहाँ पर हमारा एमसी का लायन बहुत ज्यादा बड़ा होता है और वो हॉन्गमिंग के लायन को एक ही झटके में वहीं पर हरा देता है और पूरी तरीके से खत्म कर देता है। जिसको देखते हुए हॉन्गमिंग बिल्कुल भी मूव नहीं कर पाता और वो चिल्लाते हुए कह लगता है कि मेरा गोल्डन लायन टेक्निक, अगर का ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। तभी हमारा एमसी इसी मौके का फायदा उठाते हुए हॉन्गमिंग की तरफ बढ़ने लगता है उसे मारने के लिए और इसके चेहरे पर एक जोरदार पंच मारते उससे कह लगता है कि तुम्हें कभी भी बैटल में अपने फोकस को नहीं खोना चाहिए। और हॉन्गमिंग डायरेक्टली दूर जाकर घिरने लगता है और हॉन्गमिंग इसे देखने के बाद काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और उससे कह लगता है कि आखिरकार तुम इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो, तुम्हारा कल्टीवेशन यहाँ से देखा जाए तो तुम्हारा कल्टीवेशन लेवल मुझसे बहुत ज्यादा कमजोर है। ये बात सुनने के बाद हमारा एमसी उससे कहने लगता है कि यहाँ पर तुम्हारे कल्टीवेशन से इसका कुछ भी लेना देना नहीं है, बल्कि मैं तुमने पूरी तरीके से अभी इस टेक्निक को मास्टर नहीं किया है। ये बात सुनने के बाद हॉन्गमिंग खड़ा होता है और उससे कहने लगता है कि ये तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, अगर मैं तुम्हें हराना चाहता हूँ तो मुझे अपनी जिंदगी दांव पर लगानी होगी अगर तुम्हें हराना है तो। तभी कोई आता है और वो हॉन्गमिंग को वहीं पर रोक देता है और हमें पता चलता है कि वो उसका ग्रैंडफादर है। जहाँ पर उसका ग्रैंडफादर आकर उससे कह लगता है कि तुम यहीं पर हार मान लो, लेकिन हॉन्गमिंग हार मानने के लिए तैयार नहीं होता और उसका ग्रैंडफादर उससे कह लगता है कि तुम और हॉन्गर हमारे इस हॉन्ग फैमिली के फ्यूचर पिलर्स हो, तो आखिरकार हम दोनों को लोगों को सेक्रीफाइस कैसे कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ छोटे से कॉम्पिटिशन के लिए वो भी। तभी हॉन्गमिंग अपनी हार मान लेता है और उससे कह लगता है कि मैं वाकई में बहुत ज्यादा बेवकूफ था एक नंबर का, आपने बिल्कुल सही कहा ग्रैंडफादर। और जोर जोर से हंसते हुए कहने लगता है कि मुझे शायद इस बात के लिए काफी तो खुश होना चाहिए कि हमारे हॉन्ग फैमिली में एक और एक्सपर्ट आ चुका है। हॉन्गर इस बार मैं तुम्हें जीतने देता हूँ, तुम्हारी जीत हुई इस मैच में, लेकिन नेक्स्ट मैच में एक बात का ख्याल रखना, मैं कभी भी सरेंडर नहीं करने वाला और अपने इस डेप्ट का जो कर्ज है ना इसका हिसाब तो मैं तुमसे फ्यूचर में जरूर चुकवाऊंगा। तभी हमारा एमसी क्या लगता है कि तुम जब चाहे मुझ पर आ सकते हो अटैक करने के लिए, मुझे फाइट करने के लिए। जब मोता ही हमारे एमसी को इस तरीके से फाइट करती है देखने लगती है तो वह काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाती है और इस बात पर इसे भरोसा नहीं होता और कह रही होती है कि ये वाकई में हॉन्ग जंग नहीं है। और हमारा सीन शिफ्ट होता है एक अलग जगह पर जहाँ पर हमारा एमसी अपनी टेक्निक की प्रैक्टिस करने में लगा हुआ है और जोर से अपना पंच मारता है उस पत्थर पर जो कि उसके सामने बहुत बड़ा पत्थर पहाड़ जैसा थोड़ा छोटा सा पहाड़ रखा हुआ था। और जहाँ पर वो पंच मारता है वहाँ पर अजीब तरीके की रोशनी निकलने लगती है ब्लैक कलर की और उस पत्थर में एक बहुत बड़ा छेद हो जाता है। उसको देखते हमारा एमसी कहने लगता है कि जो स्काई ब्रेकिंग पाम इंच एक्सप्लोजन टेक्निक है वो अभी भी मेरे प्रीवियस लेवल तक नहीं पहुंची है। तभी वहां पर मोताई की एंट्री होती है जो कि हमारे एमसी को प्रैक्टिस करते हुए देख लेती है और उससे कह लगती है कि कितनी ज्यादा पावरफुल टैलेंटेड स्किल है तुम्हारे पास, भले तुम्हारी जो स्किल्स है जो मारा जा चुका है हॉन्ग जेंग उसके बराबर नहीं है, लेकिन ऑलमोस्ट स्वयं कब कह सकते हो कि इस बराबर या सेम टू सेम पहुंच जाएंगे जल्दी। तभी हमारा एमसी उसको देखकर उससे कह लगता है कि ओ अब समझ में आया, तो ये सीनियर सिस्टर सेंगवान है, आपके कॉम्प्लीमेंट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ये सारी की सारी मार्शल आर्ट टेक्निक मेरे फादर के द्वारा मुझे सिखाई गई थी, तो आखिरकार वो आपकी टेक्निक्स के द्वारा कंपेयर कैसे की जा सकती है सीनियर सिस्टर। तभी हमारी मोताई उससे कहने लगती है कि तुम्हें इतने ज्यादा हम्बल होने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है इस पूरे की पूरी यंगर जनरेशन में हमारी फैमिली के जो कि अभी तुम्हारी करंट स्ट्रेंथ का मुकाबला कर सके। ये बात सुनने के बाद हमारा एमसी भी उससे कहने लगता है कि मैं जानना चाहता हूँ कि आखिरकार जो सीनियर सिस्टर है वो मुझे क्यों ढूंढ रही थी। तभी मोताई उस टेक्निक की जांच करते उससे कहने लगती है कि मुझे इस बात का डर है कि पूरी की पूरी फैमिली में इस इंच एक्सप्लोजन टेक्निक को सिर्फ और सिर्फ एक ही बंदा था जिसने इसको तुम्हारे लेवल तक कंप्लीट किया था, वो था हॉन्ग जेंग। लगता है कि तुमने अपने ब्रदर के सभी टैलेंट को अपने आप में निकालना चालू कर दिया है, भले ही मैंने अपने आप को पावरफुल बनाने के लिए तियानयान सेक्ट को ज्वाइन कर लिया है, लेकिन मैं हॉन्ग मैनर में बड़ी हुई हूँ और इसलिए मैं अब हॉन्ग मैनर के लिए कुछ करना चाहती हूँ और यहाँ पर सिर्फ और तुम ही एक ऐसे बंदे हो पूरी की पूरी यंगर जनरेशन है जो कि मेरी मदद कर सकता है। ये बात सुनने के बाद हमारा एमसी उससे पूछ लगता है कि आखिरकार तुम्हें मेरी किस चीज़ की मदद चाहिए, तुम्हारी स्किल को देखते हुए लगता नहीं है कि तुम्हें कोई भी अकेला बंदा हैंडल कर सकता है। तभी मोताई उसे बताने लगती है कि इससे पहले जो 7th अंकल का बेटा है जिसका नाम हॉन्ग गुपो है वो जहाँ पर वापस आया था लेकिन रास्ते में उसे किसी के द्वारा रोक लिया गया था और बहुत ज्यादा बुरी तरीके से इंजर्ड कर दिया गया है, वो भी किसी और के द्वारा नहीं बल्कि मैं सितु फैमिली के सितु किंगयान के एक्सपर्ट से जिसका नाम सुति किंगयान है, वही वो एक एक्सपर्ट है मार्शल आर्ट्स में। ये बात जानने के बाद हमारा एमसी काफी तरह से सरप्राइज हो जाता है और सरप्राइज में कहने लगता है कि वाकई में भूपो को इसने सीरियसली चोट पहुंचा दी है। और अगले ही समय पर भूपो को दिखाया जाता है जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। हमारा एमसी उसको देखते
वह अपने ग्रैंडफादर से पूछ लगता है कि आखिर इसकी हालत कैसी हुई है, ये किसने किया इसके साथ। ग्रैंडफादर से कहने लगते हैं कि हमारी हॉन्ग फैमिली को सप्रेस करने के लिए जो सुती किंगयान है उसने हमारी यंगर जनरेशन के लोगों को हार्म पहुंचाना, चोट पहुंचाना चालू कर दिया है। जब ये वो वापस आने में लगा हुआ था तभी अचानक से सिती किंगयान और उसके कई सारे स्ट्रांग मैन ने पूरी की पूरी सिती फैमिली के लोगों ने हमारे इस बुपू को चारों तरफ से घेर लिया। और जब उसने फाइट करने की कोशिश की तो उस बंदे ने मर्डन ब्रेकिंग पाम टेक्निक का इस्तेमाल किया और हमारे इस बुपू के सभी चैनल को बुरी तरीके से तोड़ दिया है। ये बात जानने के बाद हमारा एम्स सरप्राइज होता है और उससे कहने लगता है कि ग्रेट मर्डन ब्रेकिंग पाम, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि जो बुपू की लाइफ है वो खतरे में तो नहीं है ना। तभी उसका ग्रैंडफादर उससे कहने लगता है कि इस समय पर इसकी जिंदगी खतरे में तो नहीं है लेकिन ये ज्यादा समय तक टिक नहीं सकता। अगर हम इसे ठीक करना चाहते हैं तो हमें सिर्फ और सिर्फ सितु फैमिली के ड्रैगन स्नेक मर्डन पिल की जरूरत पड़ेगी, सिर्फ वही इसकी जान बचा सकती है। ये बात जानने के बाद हमारा एमसी सफरा हो जाता है और उससे कहने लगता है कि ड्रैगन स्नेक मर्डन पिल। तभी मोताई भी पीछे से आती है और उससे कहने लगती है कि तुम्हारा तो ये पहली टाइम हो रहा होगा, पहली बार हो रहा होगा जब तुम बुपू से मिल रहे हो, तो आखिरकार तुम इस तरीके से रिएक्ट क्यों कर रहे हो, मुझे ये बात समझ नहीं आई। तभी हमारा एमसी अपने चेहरे के एक्सप्रेशन को बदलता है और उससे कह लगता है कि आखिरकार ये बंदा हमारे हॉन्ग फैमिली का मेंबर है तो आखिरकार सीरीज नेचुरल सी बात है कि मैं अनऑक्सीजन तो होऊंगा, गुस्सा तो आएगा जब मेरे फैमिली मेंबर को अटैक करेगा। तो तभी हमारा एमसी मन में सोचते हुए कह लगता है कि 10 साल पहले मैं बुपू का सबसे ज्यादा बेस्ट ब्रदर हुआ करता था और उस समय पर मैं बहुत ज्यादा बुरी तरीके से इंजर्ड हो गया था सीरियसली और ऑलमोस्ट मरने वाला था तभी हॉन्गद्वान माउंटेन्स पर, और उस वक्त बिपू था जिसने अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर मुझे वहां से हॉन्ग फैमिली में लेकर आया, वो भी 10,000 miles तक चलकर और मेरी जान बचाई थी। और हिस्ट्री एक बार फिर से अपने आप को रिपीट कर रही है, 10 साल बाद उन लोगों ने मुझे चोट पहुंचाने के लिए यू एंड कांगाई ने सभी के साथ मिलकर कोलैबोरेट किया था और मुझे मार दिया था, और इस बार वह लोग एक साथ मिलकर बुपू पर अटैक किया है। और तभी भी मोताई से कहने लगता है कि सीनियर सिस्टर मोताई, अब हमें सितु मैनर में जाना होगा इमीडिएटली। तभी मोताई भी उससे कहने लगते कि हाँ बिल्कुल हम वहाँ पर जाएंगे क्योंकि ये हमारी जो डेप्ट है वो इरिपेरेबल है, हम उससे अपना बदला जरूर लेंगे। ये बात जानने के बाद ग्रैंडफादर काफी तो शौक हो जाते हैं और वो हंगर से मना करते हैं, उससे कहने लगते कि आखिरकार तुम्हारे करने का इरादा क्या है, क्या तुम्हें पता है कि सितु किंगयान कितना ज्यादा पावरफुल है, वो ऑलरेडी ट्रांसेंडेंट सेकंड स्टेट पर पहुंच चुका है, क्या तुम वाकई में मरना चाहते हो वहां पर जाकर, और तुम सेंगवान मोताई क्या तुमने अपने बारे में सोचा है कि तुम ऑलरेडी तियानियान सेट को रिप्रेजेंट कर रही हो, अगर तुम यहां पर यूनियन सेट के मैटर में इंटरफेयर करती हो और तियानियान सेट के मेंबर के आइडेंटिफाई के बारे में उन्हें पता चल जाता तुम्हारी आइडेंटिटी के बारे में तो तुम्हारे लिए जो चीजें हैं वो और भी ज्यादा कठिन हो सकती है, क्या तुमने इसके बारे में सोचा है। ये बात सुनने के बाद वो काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाती है। तभी हमारा एमसी उससे कहने लगता है लेकिन बुपू की जो इंजरीज है उसे ठीक तो करना होगा, ठीक करने के लिए हमें ड्रैगन स्नेक मर्डन के पिल की तो जरूरत पड़ेगी। लेकिन उसका ग्रैंडफादर चिल्लाते उससे कहने लगता है कि हमारा डिस्कशन यहीं पर खत्म होता है, इस बात के मैटर को और भी कोई भी ऊपर नहीं लाएगा, हम लोग इस बारे में बात नहीं करेंगे आज से और अभी से, मैं तुम्हें कहीं भी जाने की परमिशन नहीं देता, तुम्हें हॉगमेयर में रहना होगा, मुझे इस बुपू की इंजरीज को ठीक करने दो। और हमारा एमसी घबराते हुए मान जाता है ग्रैंडफादर की बात। तभी नाइट का सीन दिखाया जाता है जहां पर कोई उड़ते हुए जा रहा है और वह और कोई नहीं बल्कि मैं हमारा एमसी है जो कि गुस्से में जाता है और कह रहा होता है कि आखिरकार मैं इस मैटर को कैसे छोड़ सकता हूं, मैं अपने बुपू का बदला जरूर लूंगा, सिद्धु किंगयान तुम बस मेरा इंतजार करो, मैं अपना बदला लेने के लिए आ रहा हूँ, खून का बदला खून से लूंगा। तभी नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है सितु फैमिली के डोमेन पर फैन सिटी में जहाँ पर वो सितु मिनर पर पहुंच जाता है, इसको देखने के बाद उसके दरवाजे के सामने खड़ा हो जाता है और उसके सामने खड़ा होकर कहने लगता है कि सितु किंगयान लुओजिन का कजन अब यहाँ पर खुद का मैनर यहाँ पर बनाकर बैठा हुआ है, लगता है कि जो सितु फैमिली है वो वाकई में अच्छी तरीके से डेवलप होने में लगी हुई है लेकिन जो सितु फैमिली का अच्छा फॉर्च्यून है, जो अच्छी किस्मत है वो यहाँ पर खत्म होती है मेरे आने के बाद से, और एक पत्थर उठाता है अपने हाथों में और डायरेक्टली उसका जो बोर्ड होता है उस पर दे मारता है जिससे कि वो बोर्ड टूटकर नीचे गिर जाता है और उस बोर्ड के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं वहीं पर। और इतने तरह शोर सुनते हुए अंदर से लोग चिल्लाते हुए कहने लगते हैं कि आखिरकार वहां पर कौन है, किसकी इतनी ज्यादा हिम्मत हो गई है कि वो सिद्धु मैनर के हेडबोर्ड को इस तरीके से तोड़ दिया उसने। तभी वहां पर एक आयरन मैन जैसा दिखने वाला बंदा उड़ता है और उड़ते हुए उसकी तरफ आने लगता है जो कि आयरन आर्मर पहना हुआ है और उससे कहने लगता है कि आखिरकार ये ब्रेड कहां से आया हुआ है, तुम में तो वाकई में बहुत ज्यादा हिम्मत आ गई है, क्या तुम्हें पता भी है कि तुम कहां पर खड़े हो इस वक्त। तभी हमारा एमसी उससे कहने लगता है कि ये उस कुत्ते सितु का घर है ना, मैंने सही कहा, जब हमारा एमसी उसे गाली दे रहा होता है तो वो बंदा भड़क जाता है, उससे कहने लगता है तुम यहां पर परेशानी खड़ी करने के लिए आए हो, लेकिन तुम यह बात भूल रहे हो कि तुम यहां पर कहां पर खड़े हो, तुम यहां से जिंदा नहीं लौट सकते, अब तुम मर जाओ। और हमारे एमसी पर वो बंदा अटैक करने लगता है। तभी हमारा एमसी उससे कहने लगता है कि तुम मेरे से फाइट करने लायक बिल्कुल भी नहीं हो, अब जल्दी से जाओ और वापस से सितु किंगयान को बाहर बुला कर लाओ, और एक पंच में उस बंदे की ऐसी मार देता है हमारा एमसी और वो बंदा सीधा उड़ते हुए सीधा जाकर दरवाजे में जाकर लुकता है जिससे कि दरवाजा टूट जाता है वहीं पर। और हमारा एमसी क्या लगता है कि इसे तो हाल हरा दिया, मैंने बहुत ज्यादा इजी था इसे हराना। साथ ही सितु फैमिली उसके बाद सितु फैमिली के मेन कोर्टयार्ड का सीन दिखाया जाता है जहां पर दो लोग बात करते हुए कह रहे होते हैं कि कल का दिन वाकई में बहुत ज्यादा इंजॉयबल था, मैं तो इस बात की उम्मीद भी नहीं की थी कि जो
हॉन्ग बीपू है वो इतना ज्यादा कमजोर होगा, यहाँ तक कि जो हर न्यू जनरेशन की जितनी भी हॉन्ग फैमिली की न्यू जनरेशन है वो दिन ब दिन बेकार होती जा रही है। तभी दूसरा बंदा कह लगता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, जो हॉन्ग फैमिली है वो जल्दी डिक्लाइन होती जा रही है समय के साथ साथ। जब हमारी सिटी फैमिली पूरी की पूरी हंग फैमिली को निकलनी जाएगी वो समय ज्यादा दूर नहीं है। ये बात सुनने के बाद दूसरा बंदा घबराने लगता है और उससे क्या लगता है कि क्या होगा अगर हॉन्ग लॉन्ग टैंग पर्सनली यहाँ पर हमसे निपटने के लिए आ गया तो क्या होगा। ये बात सुनने के बाद वो बंदा उससे कहने लगता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो शोंगन मोताई है वो इतनी आसानी से अटैक नहीं करेगी। दूसरी बात छोड़ो हॉन्ग लॉन्ग टैंग पर, अगर इसने एक्शन लेने की कोशिश की तो जो निहाई सेक्ट है वो हॉन्ग फैमिली को पूरी तरीके से तबाह कर देगा। आखिरकार हॉन्ग फैमिली के पास कितने ज्यादा यंगर जनरेशन के लोग बचे हुए हैं इसके बाद, मैं पूरी की पूरी हॉन्ग फैमिली के यंगर जनरेशन को एक्सटर्मिनेट कर दूंगा, तबाह कर दूंगा हॉन्ग फैमिली के साथ साथ। तभी बाहर से एक बंदर भागते हुए उसकी तरफ आता है, उससे क्या लगता है कि मास्टर ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, यंग मास्टर जो हॉन्ग फैमिली के लोग हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं। ये बात सुनने के बाद वो घबराते हैं, उससे कहने लगता है कि कितने लोग आए अटैक करने के लिए। तभी वो बटलर बताने लगता है कि सिर्फ और सिर्फ अकेला आया है बंदा। ये बात जानने के बाद वो बंदा काफी ज्यादा सरप्राइज से भर जाता है और उससे क्या लगता है तुम्हारे कहने का मतलब है कि यहाँ पर अकेला एक बंदा आया है, क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि वो हॉन्ग लॉन्ग टैंग है। ये चीज वाकई में बहुत ज्यादा बुरा होगा अगर हॉन्ग लॉन्ग टैंग यहाँ पर आ गया है, हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। ये बात सुनने के बाद उसका बटलर उससे कहने लगता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, हमसे हमारा अपोनेंट एक यंग मैन है और वह और कोई नहीं बल्कि मैं हमारा एमसी होता है। और हमारा एमसी उसकी तरफ बढ़ने लगता है धीरे धीरे और वो मेन जगह पर पहुंचकर कहने लगता है कि ये वही जगह होगी जहाँ पर वो लोग बैठे होंगे और जोर से चिल्लाते उससे कह लगता है कि सीधे क्योंकि जल्दी से बाहर निकल। तभी वो बंदा बाहर निकलता उठते हुए उससे कह लगता है कि तुम में तो वाकई में बहुत ज्यादा हिम्मत आ गई, जो मेरे मेरे में तुम तोड़ते हुए और तबाही मचाते हुए अंदर घुसने की हिम्मत दिखाई है तुमने, तुमसे निपटने में मुझे ज्यादा समय नहीं लगने वाला तो मैं तुम्हें अभी मार देता हूँ। और जब वो हमारे एमसी पर अटैक करने वाला ही होता है लेकिन हमारा एमसी एक हाथ फेरता है उधर और उस बंदे की ऐसी की तैसी हो जाती है और बंदा हार कर वहीं पर जमीन पर गिर जाता है। तभी बंदा बाहर निकलकर उससे क्या लगता है कि तुम्हारे पास तो वाकई में बहुत ज्यादा अच्छी स्किल है, तुमने सिर्फ और सिर्फ अपना ऑरा इस्तेमाल कर किसी को चोट पहुंचा दी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिरकार तुम कौन से हॉन्ग फैमिली के मेंबर हो, क्योंकि मैं हॉन्ग फैमिली के सभी जंगल जनरेशन के लोग को जानता हूँ लेकिन मैं तुम्हें वहां पर कभी नहीं देखा। तभी हमारा एमसी उसे इंट्रोड्यूस करने लगता है और उससे कहने लगता है कि मेरा नाम हॉन्गर है और मैं हॉन्ग जिंग जियान का बेटा हूँ। ये बात सुनने के बाद वो बंदा उससे कहने लगता है लेकिन हॉन्ग जियान जियान का तो सिर्फ और सिर्फ हॉन्ग जेंग था उसका बेटे के तौर पर, लेकिन ये काफी ज्यादा सरप्राइजिंग वाली बात है कि उसके पास अभी भी एक इलेजिमेट बेटा बचा हुआ है। ये बात सुनने के बाद हमारा एमसी उससे कह लगता है कि तुम अपना मुंह बंद रखो, मैं तुम्हारे इस सितु मेरर को यहीं पर डिस्ट्रॉय करने वाला हूँ और तुमने जो भी बेपू के साथ किया था उसका बदला लेने वाला हूँ। तभी बंदा उससे कह लगता है कि ये तुम्हारी स्किल पर डिपेंड करता है कि तुम उससे बदला ले पाओगे या नहीं ले पाओगे और अपने हाथों ऊपर कर कुछ करने लगता है। तभी उसकी स्वॉर्ड को हमें दिखाया जाता है जो कि उड़ती हुई डायरेक्टली वहां से निकल पड़ती है और वो उस बंदे के पास पहुंच जाती है और वो उसे अपने हाथों से पकड़ लेता है और सितु फैमिली की सीक्रेट स्किल हेवनली डीमन स्वॉर्ड का इस्तेमाल करता है। और हमारा एमसी इसको देखकर कहने लगता है कि तुम छोटी मोटी ट्रिक्स का इस्तेमाल करके मुझे नहीं हरा सकते। तभी बंदा हमारे एमसी पर अटैक करते उससे कहने लगता है कि चलो देखते हैं कि आखिरकार कौन किसे नहीं हरा सकता और मेरी ये ट्रिक तुम पर काम करती है या नहीं करती है, और अपनी फुल फोर्स से अपनी स्वॉर्ड को स्विंग करने लगता है। तभी वहां पर एक बहुत जोरदार धमाका होता है जिससे कि आसपास की पूरी जमीन टूट जाती है और वो सारा का सारा अटैक की डायरेक्शन हमारे एमसी की तरफ बढ़ती है और वो बंदा काफी तो खुश होता है ये बात जानने के बाद, लेकिन हमारा एमसी उस अटैक को बिल्कुल भी डॉज नहीं करता और अपने सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल हाथों से ही रोक लेता है और कुछ उसे खरोंच तक नहीं आती। ये देखने के बाद वो बंदा काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और कहने लगता है कि आखिरकार ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, तुम्हें जो चोट भी नहीं लगी। तभी हमारा एमसी उससे कहने लगता है कि मैंने कहा था ना कि तुम्हारी छोटी मोटी ट्रिक्स मुझ पर काम नहीं करने वाली। इसे देखने के बाद वो बंदा बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहने लगता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए और वापस से हमारे एमसी पर अटैक करने के लिए कूद पड़ता है और कहने लगता है कि अब मैं अपनी कंजीक्यूटिव फैमिली डीमन ब्लेड का इस्तेमाल करने वाला हूँ। लेकिन हमारा एमसी एक स्विंग करता है अपने हाथों से और डायरेक्टली उसके ब्लेड को टुकड़े टुकड़े कर देता है। ये देखकर वो बंदा बहुत डर जाता है और डरते हुए क्या लगता है कि मेरी हेवनली डीमन स्वॉर्ड। तभी हमारा एमसी अपनी इंच टेक्निक का इस्तेमाल करने लगता है और कह लगता है उसे मारते हो कि मैं तुम्हें यहाँ पर जिंदा छोड़ता हूँ लेकिन कभी भी कल्टीवेट के बारे में तो अब सोचना भी नहीं, भूल जाओ इस बारे में, मैं तुम्हारी कल्टीवेशन पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और एक ही पंच में उस बंदे की ऐसी तैसी मार देता है और वह बंदा दूर जाकर गिरने लगता है, उसके मुंह से खून निकलने लगता है। और तभी हमारा एमसी को गिरते हुए देखकर कहने लगता है कि हाँ मुझे याद आया, मैं तो यहाँ पर ड्रैगन स्नेक मर्डन पिल लेने के लिए आया था, लगता है कि ये पिल इसके बॉडी में कहीं ना कहीं तो रखी ही होगी, बैठ रहा है कि चेक कर लूं। और तभी वह पिल की बोतल उसे मिल जाती है और उस बोतल को लेकर वो वहां से भागना चालू कर देता है और कहने लगता है मुझे जल्द से जल्द वापस जाना होगा। और उसके पूरे के पूरे मैनर की तो ऐसी तैसी हो गई होती है, सितु मैनर की, और पूरे का पूरा घर डिस्ट्रॉय हो गया होता है, उसमें आग जलने लगता है। तभी वहां पर एंट्री होती है अपनी मोताई की, जो कि वहां पर आने के बाद काफी ज्यादा शौक से भर जाती है और कहने लगती है कि ये किसने कर दिया भाई, जो सितु मैनर है वो ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो चुका है,
क्या होंगन मुझसे पहले यहाँ पर पहुंच चुका है? जब उतना सोच रही होती तभी पीछे से कोई बोलता है, और क्या लगता है कि ये सारी की सारी घटना तुम्हारे होंग फैमिली के होंगर ने की है। आखिरकार तुम्हारे होंग फैमिली के मेंबर की इतनी ज्यादा हिम्मत कैसी है कि वो हमारे सितू मैनर को डिस्ट्रॉय कर दिया है? इसका कर्ज तो तुम्हें चुकाना होगा। तभी मोताई उसको देखती है तो वो काफी ज्यादा सरप्राइज जाती है और उससे कह लगती है कि होंगर ने तुम्हें वाकई में जिंदा छोड़ दिया। वो बंदा वाकई में बहुत ज्यादा काइंड है, लेकिन वो सितू फैमिली का बंदा बिल्कुल भी मानता नहीं और उससे कह लगता है कि होंग फैमिली और जो तियानियान सेक्ट है, मेरी जो सिद्धू फैमिली और जो यूनिहाई सेक्ट है, वो तुम्हें डिस्ट्रॉय कर देगा। तभी मोताई उससे कहने लगती है कि तुम कुछ ज्यादा ही बोलते हो, और अपना वेपन निकालकर उस पर अटैक करने लगती है, जिससे कि उस बंदे की अस्थि सी हो जाती है और उसको दर्द होने लगता है। और मोताई उसको बुरी तरीके से पीटने लगती है और कह रही होती है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें बिल्कुल भी दया नहीं दिखाने वाली होंगर की तरह, मैं तुम्हें यहीं पर मार दूंगी। और वो वहीं पर मार देती है उसको। अगला सीन दिखा जाता है होंग मेनर का। यहाँ पर कोई कह रहा होता है कि अब ये वही ड्रैगन स्नेक मार्टिन पिल है, और उसको ग्रैंडफादर इसको देखकर काफी शौक होते हुए कह लगता है कि आखिरकार तुम्हें ये ड्रैगन स्नेक मार्टिन पिल मिली तो मिली कैसे, कैसा पॉसिबल हो सकता है कि तुमने उस पर अटैक कर दिया? तभी हमारा एमसी उससे कह लगता है कि ये मैंने सिद्धू क्यूंगयान से ली थी और उसका मिरर भी मैंने पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया है। ये बात जानने के बाद उसका ग्रैंडफादर शौक होता है, उससे कह लगता है कि सिद्धू क्यूंगयान जो कि ट्रांसजेंडर सेकंड स्टेज पर कल्टीवेटर था, तुमने उसे ऑलरेडी हरा दिया और डिस्ट्रॉय कर दिया। और उसका ग्रैंडफादर उससे कहने लगता है वापस से कि मुझे इस बात का डर है कि सिद्धू फैमिली और यूनियाई सेक्ट यहाँ पर हमें परेशान करने के लिए जरूर आएंगे। तभी कोई बंदा आता है, उससे कह लगता है कि पैट्रिक सिद्धू पियायोंग यहाँ पर हमें देखने के लिए विजिट करने के लिए आया हुआ है। तभी उसके ग्रैंडफादर उससे कह लगता है कि मैं अभी वहाँ पर जाता हूँ, तुम यहीं पर रुको। और वो हमारे एमसी को बताने लगता है कि जो सिद्धू पियायोंग है वो सिद्धू फैमिली का जीनियस है जो कि ट्रांसजेंडर थर्ड स्टेज पर पहुंच चुका है और सिक्सटीन फैमिली का मास्टर है मार्शल हॉल का लॉन्ग सिटी से। किसने सोचा था कि ये बंदा यहाँ पर आ जाएगा इतना जल्दी? होंगर तुम मेरे साथ चलो उस बंदे से मिलने के लिए। और तभी सीन शिफ्ट होता है उस बंदे पर जो कि वहाँ पर बैठा हुआ था और कह रहा होता है कि आखिरकार वो जो ओल्ड फेलो वो यहाँ पर आया क्यों नहीं होंगलैंग तक। तभी बंदा उससे कह लगता है कि अगर तुमने यहाँ पर आने की हिम्मत नहीं दिखाई तो मैं तुम इस बात के लिए मुझे ब्लेम मत करना कि मैं पूरे पूरे होंगमेनर को तबाह कर दूंगा। तभी जो ग्रैंडफादर होते हैं हमारे एमसी के, वो उससे कह लगता है कि ओ तो यहाँ पर यंग मास्टर सिद्धू थे ये, काफी समय बाद मिले। तभी बंदा उससे कह लगता है कि तुम्हें पोलाइट होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, तुम्हारा जो होंग फैमिली उन्होंने वाकई में हमारे सिद्धू क्योंकि उनको मारने की कोशिश की थी, अब जल्दी से उस मर्डर को हैंड ओवर कर दो। ये बात सुनने के बाद हमारा एमसी जो ग्रैंडफादर होता है उससे कह लगता है क्या तुम्हारे पास कोई एविडेंस है? तुम बिना एविडेंस के नहीं बोल सकते डायरेक्टली, और किसने कहा कि हमारे होंग मैनर से उसे डिस्ट्रॉय किया था किसी ने? तभी बंदा उससे कह लगता है कि हमारे सिद्धू फैमिली के उस मैनर में कई सारे लोगों को चोट लगी थी, वो टेस्टिफाई कर सकते हैं। तभी उसका ग्रैंडफादर हमारे एमसी से पूछ लगता है कि तुमने सभी लोगों को वहां पर जिंदा छोड़ दिया, सभी विटनेसेस को? लगता है कि तुम्हारे पास एक्सपीरियंस की बहुत कमी है। तभी हमारा एमसी घबराने लगता है, उससे कह लगता है कि मैं तो बस वहां पर ताजी ताजी हवा लेने के लिए गया था, लेकिन हमारा जो विपू है वो अभी भी जिंदा है, तो मैंने किसी को मारने के बारे में नहीं सोचा। तभी वो बंदा उससे कह लगता है कि अच्छा तो वो तुम थे, तो मैं हमारे सिद्धू क्यूंगयान को मारने के लिए उसका कर्ज उसका बदला तो मैं लेकर रहूंगा तुमसे। तभी हमारा एमसी कहने लगता है कि मैंने तो बस उसकी कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय किया था, मैंने उसे मारा नहीं है जान से। ये बात सुनने के बाद वो बंदा कहने लगता है कि तुम अभी भी यहाँ पर बहाने मारने में लगे हुए हो, तुम अभी तक एडमिट क्यों नहीं करते? तभी मोताई वहाँ पर आती है, उससे कहने लगती है कि मैंने सिद्धू क्यूंगयान को वहाँ पर मार दिया था और इससे होंगर का कोई भी लेना देना नहीं है, अगर तुम किसी से फाइट करना चाहते हो तो आकर मुझसे फाइट करो। और वो शेंगवान मोताई को देखकर काफी तक घबरा जाता है और चिल्लाते हैं, उससे कह लगता है क्या तुम वाकई में यूनियाई सेक्ट और तियानियन सेक्ट के बीच में युद्ध छेड़ना चाहती हो शेंगन मोताई? यह तुम्हारा बिल्कुल भी सही डिसीजन नहीं था, भले ही जो तियानियन सेक्ट है वो हमारे यूनियाई सेक्ट के मुकाबले में काफी तक कम है। तभी मोताई उससे कह लगते कि इससे कोई फर्क पड़ने नहीं वाला, मैं तुम्हारी फाइट के लिए कभी भी करने के लिए तैयार हूँ। ये बात सुनने के बाद वो बंदा कुछ कर भी नहीं सकता और घबराते उससे कह लगता है कि डैम इट, मैं इस तियानियन सेक्ट में कुछ समय के लिए उससे फाइट नहीं कर सकता, तो मैं इस मैटर को फ्यूचर में निपट लूंगा। शेंगन मोताई तुम बस मेरा इंतजार करो, अपना बदला मैं तुमसे जरूर लूंगा। और बात रही तुम्हारे बारे में होंगर, तो तुम्हें भी मैं नहीं छोड़ने वाला। 3 मंथ के बाद हम लोग लाइफ एंड डेथ का मैच क्यों नहीं करते हैं? क्या तुम मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट करते हो? और तभी हमारा एमसी तुरंत एग्री भी हो जाता है और बंदा कहने लगता है कि मानना तो पड़ेगा, तुम में हिम्मत तो है, अगर तुम मुझसे फाइट नहीं करते हो 3 मंथ बाद तो जो यूनियाई सेक्ट है वो तुम्हारे पूरे की पूरे होंग फैमिली को तबाह कर देगा, गुड बाय। ये कहते हुए जब सुनता है हमारा एमसी तो काफी उनके मुंह से कुछ भी शब्द नहीं निकलता। और तभी पूरी की पूरी टाउन में पूरे के पूरे शहर में इस बारे में न्यूज फैल गई थी कि जो 16 फैमिली के मार्शल हॉल के जो यंग मास्टर है सिद्धू पियायोंग, वो लेजिटिमेट सन होंग फैमिली के होंगर के साथ लाइफ एंड डेथ का मैच करने वाले हैं 3 मंथ बाद। और तभी बीपू के मेडिसिन लेने के बाद का सीन दिखाया जाता है, यहाँ पर धीरे धीरे करके उसे होश आने लगता है, जिसे देखकर उसका ग्रैंडफादर काफी सरप्राइज हो जाता खुश हो जाता है और उससे क्या लगता है कि ये तो वाकई में काम करके ये पे, भले ही जो बूपू है वो ऑलरेडी जान से उसकी जो डेंजर था ना खतरा था वो ऑलरेडी टल चुका है, लेकिन इसे रिकवर होने में काफी समय लगने वाला है और ये चीज उस पर खुद पर डिपेंड करती है। तभी मोताई उससे कह लगती है कि मैंने अपने सेक्टर में ये सीखा है कि यहाँ पर एक इस तरीके का प्लांट है जो कि हर तरीके की इंजरीज को ठीक कर सकता है, जो कि मर्डन ब्रेकिंग पाम के द्वारा की गई होती है इंजरीज। ये बात सुनने के बाद हमारा एमसी पूछ लगता है कि तुम किस प्लांट की बात कर रही हो? तभी मोताई उसे बताने लगती है कि उस प्लांट का नाम क्विनलियन फ्लावर है और ये काफी ज्यादा रेयर प्लांट है जो कि सिर्फ और सिर्फ हंगदेव के माउंटेन में पाया जाता है, वो भी डीप माउंटेन्स में। ये बात सुनने के बाद हमारे जो दद्दू होते हैं वो उससे कहने लगते हैं कि हंगदेव माउंटेन में ये सारा का सारा इलाका तो
डेमोनिक बीच से भरा हुआ है, ये काफी डेंजरस जगह है। तभी हमारा एमसी से लगता है ग्रैंड फादर ने डिसाइड कर लिया है कि मैं हंगडन माउंटेन में जाने वाला हूँ इस प्लांट को ढूंढने के लिए, और मैं इस बात का ख्याल रखूंगा कि 3 मंथ के दौरान लौट कर जल्दी जल्दी वापस आ जाऊँ। और इसी सरप्राइज के साथ मैं इस पार्ट की एंडिंग यहीं पर करना चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि वीडियोस आप सभी को पसंद आ रही होंगी। तो गाइस मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरे एग्जाम वगैरह चल रहे हैं, तो इसीलिए जो वीडियोस है वो थोड़ा रेंज कम हो गई है, मतलब जो टाइम है ना वीडियोस का वो थोड़ा मैंने कम कर दिया है, और एक आध दिन लेट भी हो सकती है वीडियोस बीच में, ज्यादा नहीं 2 हफ्ते की बात है, फिर उसके बाद हम रेगुलर वीडियो डालेंगे वो भी लॉन्ग वीडियो। अभी के लिए इससे काम चला लो, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग लाइक जरूर कर दोगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, बाय बाय, सी यू, एंड सेटिंग आउट। अपना ख्याल रखिएगा गाइस।